मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सारे कोटवार आमंत्रित थे। और इस आम सभा में कोटवारों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी तथा अच्छी अच्छी बातें की गई कोटवारों को खुश करने के लिए, क्योंकि आगामी समय में चुनाव हैं। तो साथ ही साथ जो कोटवारों के लिए बहुत सारी घोषणाएँ की गई है, बहुत सारी इसके लिए जो अच्छी अच्छी बातें कही गई, बहुत सारी घोषणाएँ की गई थी। तो चलिए आज की इस वीडियो पर आप लोगों को पूरा विस्तार से दिखाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कोटवारों को, मध्य प्रदेश के जो कोटवारों को खुश करने के लिए क्या क्या घोषणाएँ की गई है, क्या क्या उन लोगों को दिया गया है। पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है, तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, 1000 से बढ़ा के 2000, 600 से बढ़ा के 1200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं, उनको भी मिनिमम तो 1000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी, और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी, जितना पैसा लगेगा शासन देगा, और नहीं तो सूचना काय पे देंगे, फ्री में फोन करते रहे जब बेचारे, और अपना सिम भरवाते रहे तो जेब से कहां से करेंगे। और सारे कोटवार परिवारों में वैसे मिल गया होगा, लेकिन चेक करके लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे।